हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार। दोस्तों, आज हम लोग क्लास इलेवेंथ के जहां पर पिछली क्लास में टॉपिक छुट्टी थी उसी का आगे फिर पुनः क्या करने चले हैं, स्टार्ट करने चले हैं। आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी तल से यदि ऊपर जाने पर मान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, यह हम लोग प्रोसेस आज देखेंगे। तो आज का जो हैडिंग है, पहले हम लोग हैडिंग लिखते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पर जो हेडिंग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर क्या, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर क्या, पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होगा, क्या गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें यदि फोकस किया जाए दोस्तों तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसा कि इसका फिगर बनाया जाए तो बहुत ही सिंपल इसके फिगर है। जैसा कि यहाँ पर ये देखिएगा, अब यदि यहाँ से इसकी केंद्र यानी कि इस सतह पर, पृथ्वी के सतह पर इसका जो त्रिज्या रहेगा वो क्या है, आर ई रहेगा, इसका केंद्र ओ है। और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है, ओके, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी h होगी सतह तक। ओके, ये बिंदु P है, यहाँ पर कोई द्रव्यमान है और ये क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, यम E होगा। ओके, ये इतना प्रोसेस आपको क्या करना है, याद करना है, और इसी के माध्यम से हमको क्या करना है, कुछ नए बिंदुओं के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि पृथ्वी का केंद्र ओ, तथा त्रिज्या आर ई है। ओके, केंद्र क्या है, ओ है, त्रिज्या क्या है, आर ई है, इतनी बात क्लियर। फिर उसी का आगे बताया जा रहा है, द्रव्यमान क्या रहेगा, यम ई होगा, क्या द्रव्यमान यही तो होगा, राइट, है यदि, क्या है, यदि इसके तल पर यम द्रव्यमान का एक पिंड, क्या एक पिंड स्थिर हो तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार इस पर कार्य जी एम ई फिर स्मॉल एम अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, आर ई का स्क्वायर। ओके, आर ई का स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस हो जाएगा। अतः उस पिंड का भार यम जी, भार क्या हो जाएगा, यम जी हो जाएगा, क्यों, यही तो होगा, यम जी है। अतः अब देखिए,
यम जी है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि यम जी बराबर हो जाएगा जी, ओके, एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई का वर्ग, स्क्वायर कह सकते हैं या वर्ग कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, इतनी बात क्लियर। अब इसी का आगे जो प्रोसेस होगा उसको देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी प्रकार कोई भी समस्या हो आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जहाँ स्मॉल जी, क्या जहाँ स्मॉल जी पृथ्वी तल से त्वरण, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं माना कि पिंड यम वन या यम, क्या माना पिंड यम को पृथ्वी तल से, पृथ्वी माना यम की द्रव्यमान को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर यच दूरी, क्या ऊपर की ओर यच दूरी पर गुरुत्वी क्या हो जाए त्वरण, क्या गुरुत्वी त्वरण स्मॉल जी डैश हो तो यहाँ पर प्रोसेस देखिए, यहाँ यम जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी यम ई यम अपान क्या यहाँ पर हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यही तो होगा। यदि हम देखें इसको, ये जो प्रोसेस बताया जरा दोस्तों, हम ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या क्या है, एच है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या क्या है, आर ई है। अगर हम कहें पूरी त्रिज्या क्या होगी, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर यहाँ से लेकर केंद्र से लेकर के द्रव्यमान तक की इसकी दूरी आर ई प्लस एच, त्रिज्या जो है वर्ग में रहेगी, तो यहाँ वर्ग हो गया। तो ये प्रोसेस यहाँ पर इस इतना क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, फिर उसके आगे क्या कर रहा हूँ, इसका सूत्र का क्या करता हूँ, निगमन करता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, सेकंड है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा, माना कि पृथ्वी का केंद्र क्या है, ओ है, तथा त्रिज्या क्या है, आर ई है, द्रव्यमान क्या है, मतलब पृथ्वी का जो द्रव्यमान है क्या है, एम ई है। यदि इसके तल पर यानी कि इस तल पर, इसके तल पर यम द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इस पर कार्य करने वाले बल जी यम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई का स्क्वायर होगा, अतः उस पिंड का भार यम जी हो जाएगा, अतः यम जी बराबर इतना हो जाएगा, यम जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल यम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई का वर्ग स्क्वायर, इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। जहाँ जी पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, अतः माना कि पिंड यम के द्रव्यमान को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर यच दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश हो तो उसके अकॉर्डिंग ये यम जी डैश बराबर कैपिटल जी यम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ओके। ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे, ओके। अब देख अब देखिए अब ये हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने
पर। तो समीकरण दो में भाग देंगे किससे, एक से, तो यहाँ ये हो जाएगा यम जी डैश अपान क्या हो जाएगी, एम जी बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल जी एम ई और स्मॉल एम अपान क्या हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा यानी कि ये पूरा प्रोसेस इसके बटे में क्या हो जाएगी, ये कैपिटल जी एम ई एम अपान क्या हो जाएगा आर ई का वर्ग, क्यों इतना हो गया। तो यहाँ पर जब इतना हुआ तो हमको ये मालूम हो गया कि इसका जो मान होगा, इस प्रकार देखिए कैपिटल जी कैंसिल आउट एम ई एम एम स्मॉल एम ये स्मॉल एम इतना कैंसिल आउट। तो यहाँ बचा क्या प्रोसेस, यहाँ पर ये बचा जी डैश बटे जी बराबर क्या बचा, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि आर ई का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आर ई प्लस एच का स्क्वायर इतना हुआ। अब इसी के आगे देखिए प्रोसेस समझिए, रफ करें जी डैश अपॉन जी बराबर क्या हो जाएगा वन बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर तो है ही, ये आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं जी डैश जी अपॉन क्या हो जाएगा वन बाई इसको ये आर ई प्लस एच बटे आर ई का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, किसलिए दोनों का वर्ग। तो यहाँ पर प्रोसेस ये हो जाएगा दोस्तों जी डैश बटे जी बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं वन प्लस एच बटे आर ई का वर्ग इतना हो जाएगा। क्यों इतना जब हो गया, मुझे मालूम है कि इतना हो जाएगा तो इसके बराबर हम लोग ये कह सकते हैं इतना जी डैश बराबर क्या हो जाएगा जी बटे क्या हो जाएगा वन प्लस एच बटे आर ई का वर्ग। इतनी बात क्लियर, ये मेरा सूत्र क्या हो गया, निगमन हो गया। ओके ये मेरा सूत्र का निगमन हो गया, लेकिन अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, अभी इसके आगे और प्रोसेस है, इसको देखिए ध्यानपूर्वक। ओके अब जैसे कि इसको रफ किया जाए, इसके आगे अभी और प्रोसेस है, इसको रफ किया जाए दोस्तों। अतः जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं वैसे मेरा गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। ओके वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। उसी प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं उपरोक्त सूत्र से, यानी कि जो ऊपर वाला सूत्र अभी निगमन हुआ है उसके अकॉर्डिंग से हम किसी भी ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।
गुरुत्वी त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए जो प्रोसेस होगा, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर लगभग 6400 क्या 6400 किलोमीटर क्या 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या हो सकता है। यहाँ पर ये हम कह सकते हैं उपरोक्त सूत्र में यच बराबर क्या हो जाएगा, आर ई रखने पर। तो उपरोक्त जो सूत्र था दोस्तों, मेरे ख्याल से कुछ ये था, यानी कि ये प्रोसेस था, जी डैश बराबर जी बटे वन प्लस यच बटे क्या आर ई था, यही था राइट। तो जब ये प्रोसेस था तो हमको ये मालूम होना चाहिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जी है जी, वन है वन, प्लस आर के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, आर ई रख सकते हैं, बटे आर ई, आर ई आर ई कैंसिल आउट, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी बटे वन, वन क्या हो जाएगा टू का वर्ग, यानी कि जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी बाई फोर, जी बाई फोर, ये नाइन नहीं है जी है, इतना हो गया। तो हम लोग इसी के आगे अर्थात यहाँ पर कुछ नए बिंदु लिख सकते हैं, इसको रफ किया जाए, यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ता सॉरी घटता चला जाएगा। उपरोक्त सूत्र यानी कि जो ये सूत्र है अभी वो ऊपर जो लिखे हैं यानी कि ऊपरी पक्ष में जो सॉल्व करके आए हैं, तो अभी जो कुछ समय पहले इसी में सॉल्व करके आए हैं, तो उसी के अनुसार उपरोक्त सूत्र से हम किसी भी ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जो भी ऊंचाई हो जाए हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इसको रख किया जाए दोस्तों। अब देखिए इसके आगे प्रोसेस ये हो जाएगा, अर्थात क्या, अर्थात 6400 किलोमीटर क्या, अर्थात 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण एक चौथाई, एक चौथाई चंद्रमा की पृथ्वी से, पृथ्वी क्या, पृथ्वी से लगभग लगभग 6400 आर ई, आर ई क्या है मेरा, त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, ओके, के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, अतः चंद्रमा की
ऊंचाई, क्या चंद्रमा की ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण, क्या पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण केवल, गुरुत्वीय त्वरण केवल 1/3600 भाग रह जाता है। ओके, यानी कि यहाँ ये मेरे कहने का अर्थ ये है, अर्थात 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण 1/4 रह जाता है चंद्रमा की पृथ्वी से लगभग 60 RE के बराबर होता है। जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले ये कहा कि जो RE है ये लगभग त्रिज्या है, क्या लगभग त्रिज्या है, यहाँ मैंने ये निकाला, देखिए यहाँ RE है तो RE बराबर ये 60 है, RE का मान क्या होता है 6400 किलोमीटर, देखिए ये 6400 किलोमीटर है, ये 3 0 है, 3 0 उतार दीजिए, लिख दीजिए 6 4 24 4 हासिल 2, 6 6 36, 36 से 2 कितना हो जाएगा 38। लगभग हम लोग बोल सकते हैं लगभग चंद्रमा जो है पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर क्या है स्थित है, इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।